बेटा पास हो गया बीवा बारी मैं नजर नहीं आता, मैं तुम्हारी वजह से भी गिने रहा था। अरे आप बुढ़े हो गए हो, अब तो जाइए कि आप देखकर चले। तुम्हें तो मैं मारा चुका हूँ। बेटा पास हो बाबा जी, अभी यहाँ से एक लड़का गुजर के गया है, उससे बच के रहना, वो चोर है। ठीक है बाबा जी। बाबा जी मेरे घर में चोरी हो गई है, मुझे उस नौजवान लड़के पर शक है, मैं उसे लेके जा रहा हूँ, आपको मेरे साथ चलना होगा। किस वजह से? मेरे घर में चोरी हुई है, मुझे आप पर शक है। चले बाबा जी, मैं इस लड़के को ले आया। बेटा असल में ये लड़का चोर नहीं है, मैंने सिर्फ इसको शर्मिंदा करने के लिए इस पर इल्जाम लगाया था। इसका मतलब है बाबा जी आपने झूठ बोला था? हाँ मैंने झूठ बोला था। बाबा जी आपको हमारे साथ काली के पास चलना होगा। ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है बाबा जी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम काली साहब। काली साहब बाबा जी ने झूठ बोला है, वो लड़के पर गलत इल्जाम लगाया और हमको माफी लाई है। क्या आपको अपनी सजा जुर्म कबूल है? जी मुझे अपना जुर्म कबूल है। आपकी सजा है ये है कि मैं आपको पर्ची दे रहा हूँ, आपने उस पर लिखना है कि मैंने ये लड़के के बारे में जो भी झूठी अफवाह फैलाई है वो सब झूठ है। ठीक है जी, चलिए बाबा जी मैं आपके साथ चलता हूँ। आ जाइए बाबा जी। मैंने जी आप जो आपको काम कहा था वो आपने पूरा कर दिया? जी हाँ, जिस तरह आपने मुझे कहा था मैंने बिल्कुल उसी तरह ही किया है। आप अब दोबारा जाएं और कागज को जोड़कर मेरे पास लाएं। लेकिन ये तो नामुमकिन है, मैं कैसे कर सकता हूँ? जिस तरह इस कागज को जोड़ना नामुमकिन है इसी तरह एक शख्स पर चोरी का इल्जाम लगाना भी गलत है। जी मैं अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा हूँ और कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसा बिल्कुल ना हो। अरे मेरी भी गलती थी, मुझे भी माफ कर दे। और ये भी